व रहमतुल्लाहि व वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में इस्लाम और मुसलमान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है इस्लाम के तख्स को डैमेज कर दिया गया है हम एक इदारा बना रहे हैं जिसमें हम एक यूनिक किस्म का एजुकेशन सिस्टम मुतारफ करवाने वाले हैं ग्यारह साल के लिए हम बच्चे को लेंगे ग्यारह साल में बच्चे को ऐसा हाफज कुरान बनाया जाएगा वो बच्चा इस काबिल होगा कि कुरान पाक की कोई एक आयत पढ़ रहा है तो उसमें अरबिक में या इंग्लिश में वो पूरी स्पीच देने के काबिल होगा हम बच्चे को एक ऐसा स्कॉलर बनाएंगे जो कि ना सिर्फ डिबेटर होगा दुनिया के किसी भी मजहब का बड़े से बड़ा स्कॉलर भी उसके सामने आ जाए तो वो उससे भी डिबेट करने के भी काबिल होगा 11 साल में बच्चों की जहनी नशोनम उनकी इखलाक की तरबियत उनकी सोच और फिक्र की तरबियत उनमें कायदाना जो सलाहियतें हैं उनको डेवलप किया जाएगा ताकि ये फिक्र और सोच उसकी नेचर का हिस्सा बन के सारी जिंदगी उसके साथ रहे कि मेरी जिंदगी का असल मकसद इस्लाम मुसलमान और इंसानियत की भलाई के लिए मवसर अंदाज़ में काम करना है ग्यारह साल में उस बच्चे को कंप्यूटर के ऐसे स्किल्स दिए जाएंगे तो वो कंप्यूटर स्किल्स की बुनियाद पे ना सिर्फ अपनी फैमिली की कफालत कर पाएगा बल्कि आगे अपनी जो हायर एजुकेशन है उसके अखराजात भी वो खुद बर्दाश्त करने के काबिल होगा इसमें हम कोई तफरीक नहीं रखेंगे कि क्या ये गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है उनको एजुकेशन बिल्कुल इक्वल प्रोवाइड की जाएगी आज के दौर में ऐसी जनरेशन की सख्त जरूरत है तो जब तक हम एक पूरी जनरेशन ऐसी डेवलप नहीं करेंगे जो कि ग्राउंड लेवल पे मीडिया के थ्रू अंदाज में इस्लाम के खिलाफ उठने वाली साजिशों का मुकाबला कर सके ये हमारा मिशन है इसके लिए हमने जगह परचेज कर ली है अलहमद इसमें एक रिसर्च सेंटर भी होगा इसके साथ साथ इदारे की अपनी मस्जिद भी होगी और ये मुकम्मल तालीमी पैकेज मेल और फीमेल दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए होगा इसके लिए अब हमने इसकी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है अब इस मिशन को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने जिस जिस बंदे की ड्यूटी लगानी है उसने खुद खड़े हो जाना है कि जिस तरह आज इस्लाम को नए चैलेंजेस का सामना है तो अल्लाह ताला उसी सोच और उसी फिक्र के लोग खड़े करेगा आप इस इदारे का हिस्सा बनिए ताकि हम सब मिल के इस अजीम मिशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर सकें असलाम्लैक्म वरमी वबरक